आज मैंने बनाया कुछ ही सेकंड में बनने वाला झटपट नाश्ता और बच्चों ने इसको बनते ही चट भी कर दिया। हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। ये मेरा घर का व्यू, घर के अंदर का देखिए आप, पंखा चल रहा है और बाहर देखिए क्या मौसम है, रिमझिम बारिश हो रही है, झमाझम बारिश हो रही है। हमारे यहाँ बहुत दिनों बाद बारिश हुई थी फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा गर्मी थी। आपने मेरी पिछली वीडियो में देखा होगा, जून जुलाई जैसी गर्मी थी, बहुत ज़बरदस्त गर्मी थी, लूए जैसी चल रही थी। लेकिन आज काफ़ी दिनों बाद अच्छा मौसम हुआ है और ये ज़्यादा रात का समय नहीं है, शाम का ही समय है, बारिश की वजह से थोड़ा ऐसा हो रहा है। तो चलिए फ्रेंड्स, बेटी ने कहा कि कुछ अच्छा बनाइए, तो आज मैं आ गई हूँ किचन में और बनाती हूँ कुछ ऐसा जो झटपट बन जाए। अब बेटे ने तो बोला था कि आलू के पराठे बना दो या फिर आलू के पकोड़े बना दो, मतलब उसको कुछ आलू का खाना था। लेकिन अभी जैसे देखा तो आलू तो थे ही नहीं और बारिश हो रही थी तो बाहर भी नहीं जा सकते थे। तो मैंने सोचा क्यों ना इनको ऐसा झटपट नाश्ता बना दूँ जिससे इनका पेट भी भर जाएगा और हेल्दी भी रहेगा। तो मैंने यहाँ पर 2 चम्मच बेसन लिया है, 1/2 चम्मच मैदा लिया है और 1.5 चम्मच के करीब मैंने यहाँ पे बेकिंग पाउडर लिया है। आप बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा दोनों में से कोई भी ले सकते हैं। अगर ये ना हो तो आप इसमें इनो भी डाल सकते हैं। मेरे बच्चे हरी मिर्च खा लेते हैं तो मैं हरी मिर्ची डाल रही हूँ यहाँ पे। मैं 1 बारीक कटी हुई हरी मिर्च डाल रही हूँ और 2 कटी हुई प्याज डाल रही हूँ जिसको मैंने बारीक चॉप किया है। और देखिए फ्रेंड्स, दोनों चीज़ों को मैंने इसमें डाल दिया है। अब बारी आती है टमाटर की, तो मैंने यहाँ पे एक ज़्यादा बड़ा टमाटर नहीं लिया है, एक छोटा सा ही टमाटर लिया है क्योंकि टमाटर बहुत महंगे हो रहे हैं फ्रेंड्स, आपको भी मालूम है, हमको भी मालूम है। तो चलिए फ्रेंड्स, ये देखें, अब यहाँ पे मैंने इन सब चीज़ों को मिक्स कर लिया है और मिक्स करने के बाद मैंने इसमें डाला है नमक। आप स्वाद के अनुसार नमक डाल सकते हैं। उसके बाद मैंने डाला है इसमें धनिया पाउडर और उसके बाद मैंने इसमें डाली है हल्दी पाउडर। आप चाहे तो हल्दी को स्किप भी कर सकते हैं, मैंने तो बस ऐसे ही डाल दिया है टेस्ट के लिए। आपको पसंद नहीं है तो आप इसमें स्किप भी कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, आगे मैंने इसमें डाला है हींग। अधिकतर मैं फ्रेंड्स जो भी बच्चों के लिए कोई चीज़ बनाती हूँ तो उसमें हींग जरूर डालती हूँ। और मैंने इसमें पानी डालकर इसको देखिए ऐसा लिक्विड, जैसे हम डोसा बनाते हैं ना, उस तरह का एक लिक्विड पदार्थ बना लिया है। और अब देखिए ये रेडी है और इसको रेडी करने के लिए मैंने इसको थोड़ी देर के लिए रख दिया है और ये यहाँ पर सेट हो रहा है थोड़ा सा, क्योंकि हमने इसमें सोडा डाला था। तो ये यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको दिखा देती हूँ कितना कलरफुल लग रहा है, कितना दिखने में अच्छा लग रहा है। अब दूसरी साइड हम गैस पर पैन रखेंगे, तवा रखेंगे, नॉनस्टिक तवा है ये, आप चाहे तो नॉर्मल तवे पे भी बना सकते हैं, उसमें भी बन जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस पर मैं थोड़ा सा ऑयल डाला है और ऑयल डालने के बाद इसको पतला पतला मैंने इस पर फैला दिया है। देखिए फ्रेंड्स, इसको मैंने फैला दिया और फैलाने के बाद इसको थोड़ी देर छोड़ दिया है और आप देखिए अभी थोड़ी देर में कितना अच्छा नाश्ता और कितना अच्छा टेस्ट, बिना अंडे का आमलेट जिसको बोलते हैं या फिर बोले कि बेसन का चीला, बनकर रेडी होएगा। देखिए फ्रेंड्स, एक साइड से ये सिक गया है। आप इसके थोड़े रेडनेस के कलर पर मत जाइए, इस पर मैंने यहाँ पर हल्दी डाली थी तो उस वजह से इसका कलर थोड़ा रेड आया है। अगर आप नहीं डालेंगे तो एकदम वाइट आएगा। तो फ्रेंड्स, मैंने इनको दोनों साइड से अलट पलट कर सेक लिया है। अब ये मेरा दूसरा है फ्रेंड्स। यहाँ पर मैं बना रही हूँ पर यहाँ पर मेरे साथ ना एक स्कैम हो रहा था। मैं बनाए जा रही हूँ तो, लेकिन बनाने के बाद जैसे ही मैं प्लेट में परोसती थी तो वो दूसरा वाला गायब हो जाता था। अब मैं सोच रही हूँ कि मैं बना कम रही हूँ या गायब हो रहे हैं या मेरे साथ कोई स्कैम कर रहा है। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने इसको बनाया, इसके साइड किनारों में देखिए मैंने हल्का हल्का सा ऑयल डाल दिया और इसको बनाकर जैसे मैंने इसको पलटा। अब मैं दूसरी साइड से इसके सेकूँगी, ठीक है। इसको मैंने दूसरी साइड से अच्छे से सेक दिया। अब सेकने के बाद फ्रेंड्स, अब देखिए जैसे ही मैं इसको बर्तन में रखूँगी मेरा पहला वाला गायब हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ऐसा ही आपके साथ भी होगा, आप बनाते जाएंगे और पहले वाले गायब होते जाएंगे क्योंकि पहले वाले आपके बच्चे ले लेकर गर्मा गर्म ऐसे खाएंगे कि चटकारे लेकर और आपको बोलेंगे कि मम्मी वाह क्या टेस्टी नाश्ता आपने बनाया है और ये खाने में बहुत अच्छा लगता है, इसका टेस्ट बिल्कुल आमलेट जैसा लगता है, बिल्कुल बहुत अच्छा बेसन का चीला है और कुछ ही सेकंड में बनके रेडी हो गया। इसमें हमने ज़्यादा तामझाम भी नहीं किया और फ्रेंड्स फटाफट ये बनके रेडी हो गया। आप चाहे तो इसको बच्चों को, ये देखिए गायब हो गया। आप चाहे तो फ्रेंड्स इसको अपने बच्चों के लंच बैग में भी दे सकते हैं, अगर आपके बच्चों को खाएं तो आप इसको सॉस के साथ खा सकते हैं, चटनी के साथ खा सकते हैं। फ्रेंड्स, मेरे बच्चों ने तो इसको ऐसे ही खाया। आप चाहे तो इसको चाय के साथ भी इंजॉय खा सकते हैं, शाम की चाय के साथ इंजॉय कर सकते हैं आप इसको। फ्रेंड्स, आपको मेरा ये नाश्ता आज का कैसा लगा तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा।
और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।